स्प्रेड का कितना? 600। आईबी का 270। यहाँ पे हमें ये कैन पड़ा है केवल 70 रुपीज में। ये बियर आज हमको ट्राई करना है। रोहन जरा ऑडियंस को टैग बियर का फुल फॉर्म तो बता दे। क्या है टैग बियर का फुल फॉर्म? है तुझे आईची गांड। तो अभी आपको जो भी हम लोग ने आज खरीदा है उसका सारे के सारे चीजों का प्राइस हम लोग अभी रूम पे जाके आपको बताने वाले क्या है कितने का। आप सरप्राइज हो जाओगे क्या भाव है। तो हमने हमारे शॉपिंग में सबसे पहले लिया है ब्लेंडर स्प्राइट। ब्लेंडर स्प्राइट का 750 ml का बॉटल हमें यहाँ पे पड़ा है 550 का रुपये। और कंपैरिजन में अगर बॉम्बे के रेट की बात करूँ तो बॉम्बे में यही बॉटल आपको आता है लगभग 1200 रुपये में। सेम यहाँ पे मैकडोवल नंबर 1 750 ml की बॉटल हमें केवल 250 रुपीज़ में पड़ी है, वेरस बॉम्बे में इसका रेट है 560 रुपये के आसपास। और बियर में हमने बीरा का कैन लिया है। बीरा का कैन बॉम्बे में एटलीस्ट 120-130 रुपीज़ की आती है और यहाँ पे हमें ये कैन पड़ा है केवल 70 रुपीज़ में। शाम को जब भी हम जाने वाले हैं एक और जगह पे आपको सारे के सारे प्राइजेस मैं आपको बताने वाला हूँ कितने कितने रुपए में क्या क्या आप यहाँ पे खरीद सकते हैं और इसको कैसे आप लेके जा सकते हो, कितना लेके जा सकते हो, क्या नहीं लेके जा सकते हो, वो भी मैं बताने वाला हूँ। A few moments later. तो हमने अभी होटल में चेक इन करके शावर वावर ले लिया है, सामान रख दिया और अब हम जा रहे हैं एक लोकल रेस्टोरेंट और बार की तरफ। वहाँ पे हम लंच करने वाले हैं और कुछ बियर्स भी पीने वाले हैं। तो अभी आपको वहाँ पे जाके बताते हैं उधर का सीन कैसा है। तो बेसिकली हमने हमारे होटल रूम में चेकआउट करने के बाद हमें पता चला कि वहाँ पे अल्कोहल सर्व ही नहीं हो रहा है। एक ही बार रेस्टोरेंट चालू है यहाँ पे जिसका नाम है आनंद वन और वो भी सिर्फ 6 बजे तक चालू है कुछ दिनों तक। सोचते हैं अपडेटेड आप गूगल में देख लीजिए आने के पहले इधर क्या सीन है। बट बड़ी बात यह है कि भाई साहब इधर दारू बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। ये जो हम दोपहर से पी रहे हैं एक लोकली ब्रूड बियर है यहाँ पे और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी और ये कैन सिर्फ 50 रुपीज़ में आपको वाइन शॉप में मिलती है और बहुत सस्ता है। इट्स रियली गुड। हमारा बिल फाइनली आ गया है। इतना सारा दारू और बिल सिर्फ 800 रुपये खाने के साथ। इनसेन है। इतना सस्ता आई डोंट थिंक मेरे को गोवा में भी कभी कोई बिल आया होगा सीरियसली। In the half hours. तो गाइस शाम का टाइम हो गया है तो हम फिर से आनंद वन जाने वाले हैं क्योंकि मैंने दोपहर को वहाँ के बारटेंडर से बात करके रखा था। उसने बोला शाम को आ जाओ मैं आपको सारे के सारे लिकर का अल्कोहल का प्राइस लिस्ट बताने वाला हूँ। तो हम लेट नहीं करेंगे वहाँ पे जाएंगे और सारा प्राइस लिस्ट पता करते हैं। तो हम लोग दादरा नगर हवेली में आए हैं और यहाँ पे लिकर काफ़ी सस्ता है तो ये सब वेराइटीज़ इधर है। अभी सबके प्राइजेस मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको मालूम है ना सबका प्राइस? भाई मेरे को बोल दो फिर। ब्लेंडर स्प्रेड का कितना? 600। आईबी का 270। और एंटीक्विटी ब्लू 720। और 69 1460। 250 ओल्ड मॉ एंटीक्विटी 165। और स्टर्लिंग रिजर्व 40। और 190। ये सारे खम्बे हैं 750 ml के बॉटल्स हैं और ये सारे जो है 180 ml के क्वार्टर जिसको बोलते हैं बॉम्बे में ये है। थैंक यू भाई इतना सारा प्राइस देने के लिए। अभी जो लोग देखेंगे एटलीस्ट उन लोगों का आइडिया रहेगा कि कितने में आ रहा है। सो जैसे कि अभी आपने फुटेज में देखा हम लोग एक वाइन शॉप में रुके थे हमारा सामान खरीदने के लिए। तो जनरली जब लोग दारू सस्ता कहाँ मिलता है उसके बारे में बात करते हैं ना तो यूनियन टेरेटरीज का नाम बहुत कम लोगों को पता चलता है। लोग हमेशा सोचते हैं कि गोवा में कम है, गोवा विस्की बियर ये सब उतने उतने में आती है। पर आपको ज़रा सरप्राइजिंग लगेगा अभी जो मैं बताने वाला हूँ कि भाई दादरा नगर हवेली दमन दीव में दारू के भाव एब्सोल्युटली बहुत ही ज़्यादा कम है। बैग में कभी भूख नहीं भरे इतने खम्भे भर के लेके जा रहे हैं बॉम्बे में बंद नहीं हो रहा है। तो वेलकम गाइस मैं बॉम्बे पहुंच गया हूं और अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको दादरा नगर सिलवासा यहां से आपको लेके जाना है अपने होम स्टेट में तो उसका प्रोसीजर क्या है। सिंपल शब्दों में अगर आपको मैं बताऊं तो आप लेकर वहां से अपने स्टेट पे नहीं लेके जा सकते बिकॉज एक्साइज ड्यूटी अलग अलग रहती है हर स्टेट्स में। बट अगर आप लेके जाने की मन आपने बना ही ली है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास दो तरीके हैं जैसे कि आप महाराष्ट्र की तरफ जाते हो तो वहाँ पे आपको एक चेक पोस्ट लगने वाला है। चेक पोस्ट पे अगर रैंडमली आपको रुकाया गया तो अगर आपकी गाड़ी की चेकिंग हुई तो वो लोग आपको बोलेंगे भाई आप या तो फाइन भरिए और ये लेकर डिस्ट्रॉय कीजिए या तो अगर आप नेगोशिएट कर सकते हो और अगर उसका मन में रहा ऑफिसर का कि भाई जाने दो इसको तो शायद वो आपको जाने भी दे दे।
बट बाय एंड लार्ज मैं आपको बोलूंगा ऐसा लेके जाना अलाउड नहीं है मोस्टली. अगर आपको रोकेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पर कभी कभी चेकिंग नहीं मिलती है और अगर आप लेके जाएं तो आपको कोई इशू नहीं होगा. दूसरे एंड पे अगर आप गुजरात जा रहे हो तो जैसे कि आपको पता है वो एक ड्राई स्टेट है, तो वहाँ पे लिकर लेके जाना अलाउड ही नहीं है. बट वंस अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप अगर लेके जाने की सोच भी रहे हो कुछ लेकर, तो भर भर के 20-25 बॉटल मत लेके जाइए, वो स्मगलिंग हो जाता है. तो आप एक या दो पर्सन कंजम्पशन के लिए लेके जाते हो तो इट्स वेरी वेल एंड गुड. कभी कभी अथॉरिटीज़ छोड़ भी देती है, क्योंकि थोड़े से पैसे बचाने के लिए ये सब लीगल लफड़े पाल के लेना कोई सेंस नहीं बनता. तो इन अ नटशेल मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप सिलवासा, दमन, दादरा नगर हवेली, दीव से अगर कुछ लेके आ रहे हो तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स गाइस. और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. मिलते हैं सून, टेक केयर एंड स्टे सेफ. ट्रैवलिंग बंदा आउट.